किसी ने क्या खूब कहा है, बाजार में मिल जाता है सब कुछ, लेकिन न माँ जैसी जन्नत मिलती है और न बाप जैसा साया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि अपने संतान के लिए माता पिता की सोच कैसी होती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है माता पिता की सोच। एक बार पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाए जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। प्रार्थना सुनी गई, तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना हम ईश्वर से यहां से बाहर निकलने का रास्ता मांगे। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर हम यहां से बाहर निकल जाए। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उनने भी की लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो ना। आकाशवाणी कहती है, बेटा क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की। पुत्र बोला, नहीं। तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि हमारे माता पिता भगवान तुल्य हैं। उन्हें हमारे जीवन के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि हम सुखमय जीवन व्यतीत करें। इसलिए अपने माता पिता को जीवन में कभी भी दिल को ठेस मत पहुंचाइए। उन्हें सम्मान पूर्वक हमेशा रखना चाहिए, उनकी हर बात को मानना चाहिए, उन्हें भगवान की तरह के से पूजना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में भगवान तो आपने नहीं देखे हैं प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन माता पिता इस कलयुग में भगवान स्वरूप होते हैं। इसलिए दोस्तों, उनको पूजते रहिए, उनकी आज्ञा को मानते रहिए, उनकी सलाह से आगे बढ़ते रहिए, वो आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहें इसके लिए प्रेस बेल आइकन।